वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्सरसाइज 3.4, इसको करने से पहले जो है वो हम इन्वर्स प्रोपोर्शन सीखेंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है। सो द रिलेशन बिटवीन टू क्वान्टिटीज सच दैट वेन वन क्वान्टिटी इज इंक्रीज। एक रिलेशन जब आप दो क्वान्टिटीज के बीच में कंपेरिजन करते हो या उनकी रिलेशन निकालते हो, तो उनमें जब एक क्वान्टिटी जो है वो बढ़ती है तो उससे जुड़ी हुई या उससे मुंसलिक जो दूसरी क्वान्टिटी है वो डिक्रीज हो जाती है उसी सेम रेशो में, तो उसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर एक गाड़ी जो है, अगर उसकी मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी उसने 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, अगर उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर है, तो उसके जो टाइम ट्रैवलिंग है वो कम समय में 100 किलोमीटर का सफ़र जो है वो 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से तय कर सकता है। लेकिन अगर वो स्पीड जो है वो घटाता है, यानी कि अगर उसको हम 20 किलोमीटर पर आर पे स्पीड जो है वो गाड़ी चल रही है, तो ऑब्वियसली वो 100 किलोमीटर का सफ़र जो है वो उसका टाइम ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है कि जब आप एक चीज़ को बढ़ाते हो तो उससे मुंसलिक जो दूसरी चीज़ है, जुड़ी हुई जो दूसरी चीज़ है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सिमिलरली दूसरी चीज़ को बढ़ाएंगे तो जो पहली चीज़ उससे जुड़ी हुई है वो कम हो जाएगी। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो फॉर्मूला होता है वो ए रेशो बी इज़ प्रोपोर्शनल टू डी रेशो सी। हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सी रेशो डी लिखते थे और इन्वर्स प्रोपोर्शन में डी रेशो सी है। यानी कि इसका फॉर्मूला जो है वो ए सी जो है वो इक्वल है बी डी के। सो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। सो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1, 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। 8 आदमी जो है वो 12 दिन में एक पुल तामीर करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज। तो बताएं कि यही सेम पुल बनाने में 6 लोगों को कितना टाइम लगेगा। सो ये क्वेश्चन जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, बिकॉज अगर 8 आदमी 12 दिन में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अब जो है वो ब्रिज सेम यही है लेकिन लोग जो हैं, यानी कि जो मजदूर हैं, उनकी तादाद कम हो गई है, तो ऑब्वियसली उनको टाइम भी जो है वो ज़्यादा लगेगा। सो अब जो है हम इसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन 1 जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि हम रेशो फाइंड आउट करेंगे मैन और डेज में, बिकॉज उन्होंने हमसे टाइम पूछा कि जी कितना टाइम लगेगा। सो मैन रेशो डेज। अब मैन आपको गिवन है जी 8 और डेज गिवन है 12, दैट इज 8 रेशो 12। टाइम टेकन यानी कि आपको डेज बताना है कि कितने चाहिए, दैट इज डेज को हम एक्सपोज करेंगे, और आदमी जो है वो आपके पास 6 हैं। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में फॉर्मूला क्या लगेगा, दैट इज ए बी सी एंड डी। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 12। यानी कि आप ए को सी से, बिकॉज ए सी जो है वो इक्वल है बी डी के। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्रॉस प्रोपोर्शनल में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में आप जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ए सी इक्वल्स टू बी डी। सो 6x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 12। चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम 6 को इस साइड पर लाकर डिवाइड कर देंगे। सो 6 वन द 6 एंड 6 टू द 12। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। सो x जो है वो आपका डेज था, यानी कि 6 मज़दूरों को 16 दिन लगेंगे सेम यही ब्रिज बनाने में। 8 मज़दूरों को 12 दिन लगे थे तो 6 मज़दूरों को 16 दिन लगेंगे। सो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 12 वर्कर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 20 डेज। अगर 12 मजदूर 20 दिन में एक बिल्डिंग को पेंट करते हैं तो बताएं हाउ मेनी वर्कर्स वुड इट टेक टू कंप्लीट इन 15 डेज। तो 15 दिन में ये काम जो है वो कितने मजदूर करेंगे। सो आपका जो डेज है वो बढ़ गया है और आपने मजदूर जो है वो फाइंड आउट करना है।
सो वर्कर्स और डेज की जो है वो हम रेशो फाइंड आउट करेंगे. सो वर्कर्स रेशो डेज. सो हमें वर्कर्स जो गिवन है वो 12 हैं और डेज जो है वो 20 हैं. सो अभी जो है वो हम पहला पार्ट करेंगे, दैट इज 15 डेज. तो डेज जो है वो हमें गिवन है 15 और वर्कर्स यानी कि एक्स जो है वो हमें मालूम करना है. सो सिमिलरली इनवर्स प्रोपोर्शन में जो है वो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी डी. सो 12 मल्टीप्लाई बाई 20 या आप 15 एक्स भी इस तरफ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 15 एक्स. तो आप इसको इस साइड पे भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है. सो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 15 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे. चूंकि ये दोनों जो हैं वो 5 के टेबल पर डिविजिबल हैं, दैट इज 5 थ्री द 15 एंड 5 फोर द 20. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3. सो 3 वन द 3 एंड 3 फोर द 12. सो एक्स जो है वो आपका आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 16. सो 16 वर्कर्स जो है वो हमें दरकार हैं ताकि हम जो है वो बिल्डिंग को पेंट करने के लिए 15 डेज में 16 वर्कर्स जो है वो चाहिए. सो दिस इज योर आंसर. सो क्वेश्चन टू पार्ट टू सेम. अब जो है हमें 48 डेज दिए गए हैं, यानी कि 48 डेज में बताएं कि ये वर्कर्स जो है वो बिल्डिंग कितने वर्कर्स दरकार हैं कि हम जो है वो इस बिल्डिंग को पेंट कर सकें. सो रेशियो जो है वो आपकी सेम यही रहेगी, दैट इज वर्कर्स रेशियो डेज. सो पहले हमें 12 और 20 गिवन है, दैट इज 12 वर्कर्स फॉर 20 डेज. और अब हमें 48 डेज गिवन है और हमें जो है वो वर्कर्स फाइंड आउट करने हैं. सो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 48x इक्वल है 12 मल्टीप्लाई बाय 20 के. चूंकि यहाँ पे x हमें खाली करना है तो हम 48 को यहाँ लाकर डिवाइड कर देंगे. ये दोनों जो हैं वो 2 के टेबल से कटिंग होते हैं, चाहे आप 12 को काटें या 20 को. सो 2 टू द 4 एंड 2 फोर द 8 एंड 2 टेन द 20. सिमिलरली 2 5 द 10 एंड 2 12 द 24. सो 12 जो है वो 12 से कट जाएगा. सो वी नीड 5 वर्कर्स फॉर 48 डेज टू पेंट अ बिल्डिंग. सो दिस इज योर आंसर. इनवर्स प्रोपोर्शन में आपके डेज के जो रेशियो है वो बढ़ गई है और उससे ऑटोमेटिकली जो वर्कर्स जुड़े हैं वो घट गई है. यानी कि आपकी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उससे जो कनेक्टेड क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. सो क्वेश्चन 3 इज 3 आइडेंटिकल पम्प्स कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स. 3 पम्प्स जो हैं वो 40 मिनट में टैंक को भरते हैं. तो बताएं व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ देयर आर 2 पम्प्स. पहला पार्ट जो है उसमें कहा गया कि अगर 2 पम्प्स लगाए जाते हैं तो बताएं कि टैंक जो है वो कितनी देर में भरेगा. सो हमें जो है वो पम्प्स और मिनट्स की क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन 3 पार्ट 1, दैट इज पम्प्स रेशियो मिनट्स. सो आपको 3 पम्प्स जो है वो 40 मिनट्स में कवर करते हैं, यानी कि 40 मिनट्स में टैंक को फिल करते हैं. और अब आपको 2 पम्प्स दिए गए हैं और आपको मिनट्स मालूम करने हैं, दैट इज मिनट्स जो है वो उनको उनको एक्सपोज करेंगे. सो इनवर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 40. सो 2 को इस साइड पर लाकर डिवाइड कर देंगे. सो 2 वन द 2 एंड 2 20 द 40. 3 0 द 0 एंड 3 2 द 6. सो आपके जो 2 पम्प्स हैं इट विल टेक 60 मिनट्स टू फिल अ टैंक.
सो दिस इज़ योर आंसर. आपने नोट किया है कि तीन पंप्स जो हैं वो 40 मिनट्स में टैंक को फिल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने पंप्स की मिकदार घटाई, यानी कि हमने दो पंप्स किए, तो ऑटोमेटिकली उससे मुंसलिक जो उसका टाइम था वो बढ़ गया. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है वो इन्वर्स प्रपोर्शन से रिलेटेड है, बिकॉज एक चीज़ जो है वो जब इंक्रीज होती है तो उससे कनेक्टेड जो दूसरी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है. सो दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ 8 पम्प्स. अब चूँकि पम्प्स की मकदार बढ़ गई है तो ऑब्वियसली जो मिनट्स हैं उनकी मकदार कम होगी. सो रेशो जो है वो सेम यही रहेगी, दैट इज़ पम्प्स रेशो मिनट्स. सो पम्प्स जो हैं वो आपके 3 थे और मिनट्स जो हैं वो 40 थे. सिमिलरली अब चूँकि आपके पम्प्स जो हैं वो 8 हैं और रेशो आपको फाइंड आउट करनी है, सो 8x इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 40 है. सो 8 वन द 8 एंड 8 फाइव द 40. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15. सो 8 पम्प्स विल फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स. सो दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ सोल्जर राशन इज 650 ग्राम पर डे. अगर एक फौजी का जो राशन है वो 600 ग्राम पर दिन के हिसाब से है और ये 12 दिन के लिए काफ़ी है, तो हमें ये बताना है कि हाउ लॉन्ग वुड द सप्लाई लास्ट इफ राशन इज 780 ग्राम पर केजी. अगर राशन जो है वो 780 ग्राम पर केजी हो जाता है तो हमें ये बताना है कि वो कितने दिनों के लिए काफ़ी है, यानी कि आपके जो राशन है उसकी मकदार बढ़ गई है और हमें दिनों का बताना है कि जो वो कितने दिन के लिए काफ़ी है. सो राशन दैट इज ग्राम पर डे, सो रेशो डेज. चूँकि आपको राशन और डेज गिवन है और आपने जो है चूँकि आपके जो राशन की मकदार है वो बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो डेज़ हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. सो हमें डेज जो है वो फाइंड आउट करना है. सो 650 ग्राम रेशो जो है वो 12 डेज है एंड 780 रेशो डेज आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज़ एक्स. सो सिंपली जो है हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इन्वर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी डी. सो 650 मल्टीप्लाई बाय 12, सो 780 को इस साइड पर लाकर डिवाइड कर देंगे. सो 12 के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो 2 के टेबल पे भी ये कटिंग हो सकती है. सो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू द 12, 2 एंड 1 कैरी, 6 वन द 6 एंड 7, दैट इज 72, माइनस करेंगे 6 एंड 0, सो 12 फाइव द 16, सो 12 वन द 12 एंड 12 65 द 780. अब हम इसको अगर डिवाइड करें तो आंसर जो है वो 1 है, बिकॉज 65 वन द 65 एंड 65 वन द 65 एंड 65 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, यानी कि 780 ग्राम पर डे के हिसाब से अगर राशन होगा तो 10 दिन जो है वो राशन जो है वो फौजियों को काफ़ी है. नहीं तो जैसे ही आपने जो है वो राशन की तकसीम कम करी थी, यानी कि 650 करी थी, तो आपकी डेज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गए थे, लेकिन यहाँ पे खुराक जो है वो बढ़ाई गई है तो ऑटोमेटिकली डेज जो है वो कम हो गए हैं. सो दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, 60 चिकन्स हैव इनफ फीड फॉर 30 डेज. 60 मुर्गियाँ हैं और उनकी खुराक जो है वो 30 दिन के लिए काफ़ी है. आफ्टर 10 डेज 12 चिकन वर सोल्ड. 10 दिन के बाद जो है वो 12 मुर्गियाँ बेची गई हैं. हाउ मच लॉन्गर कैन द रिमेनिंग फीड लास्ट. तो बताएं कि जो उनकी खुराक है वो मज़ीद कितने दिन चलेगी. मच लॉन्गर यानी कि मज़ीद कितने दिन चलेगी. सो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है, दैट इज़
60 चिकन्स जो हैं वो हमारे पास थे और उनकी खुराक जो है वो 30 दिन की थी, लेकिन 10 दिन के बाद जो है वो 12 चिकन बेचे गए, यानी कि आपके पास 60 में से 12 चिकन जो है वो माइनस करेंगे। सिमिलरली हम डेज में से भी 30 में से 10 को माइनस करेंगे ताकि हमारे पास डेज और चिकन की रेशो आसानी से निकल सके, दैट इज बैलेंस्ड चिकन क्योंकि हमारे पास पहले 60 था और 12 जो है यानी कि 12 जो है वो चिकन सोल्ड कर दिए गए, सो इट बिकम 48। सिमिलरली डेज जो है वो हमारे पास टोटल डेज जो थे वो हमारे पास 30 थे, सो अगर हम उनको बैलेंस करें वो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 है, यानी कि हमारे पास चिकन जो है वो रह गए थे वो 48 हैं और 20 डेज़ की खुराक, यानी कि अगर 60 में से 12 चले गए तो पीछे बचे 48, तो ऑब्वियसली 30 में से 10 दिन भी गुजर गए तो पीछे जो डेज हैं वो हैं 20। सो हमें मालूम करना है कि मज़ीद जो वो खुराक है 48 चिकन्स के लिए वो कितने दिन चलेगी, क्योंकि आपकी मुर्गियाँ जो हैं उनकी तादाद कम हुई है तो ऑटोमेटिकली उनकी जो फीड है उनकी तादाद डेज़ की बढ़ेगी, दैट इज चिकन रेशो डेज। सो चिकन जो है वो 60 और डेज जो है वो हमारे पास 20 हैं। सिमिलरली 12 दिन के बाद जो है 10 दिन के बाद जो है वो आपके चिकन जो थे वो हैं 48 और आपको डेज जो है वो मालूम करने हैं। तो सिमिलरली इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 2 के टेबल से जो है वो हम कटिंग करेंगे बिकॉज दोनों जो है वो चाहे आप इसको कर लें या इसको, दैट इज 2 10 द 20 एंड 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8। Similarly, 2 5 the 10 and 2 12 the 24. So 12 1 the 12 and 12 5 the 60. That is, अगर आपकी chickens की जो तादाद है 10 दिन के बाद 48 रह गए थे तो उन 48 chickens की जो खुराक है वो बढ़कर 25 दिन हो गई है और हमें जो है वो 20 दिन यानी कि 30 में से 10 को माइनस किया था तो 20 बचा था, तो हम जो है वो 25 में से अगर हम 20 माइनस करें, दैट इज़ 30 में से 10 डेज माइनस किए थे तो 20 डेज बचे थे। सिमिलरली 25 में से अगर हम 20 को माइनस करें तो 5 डेज, यानी कि मुर्गियों की जो खुराक है वो मज़ीद 5 दिन चलेगी। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।